हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग जानते हैं कि अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया था। अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, अपन डिसीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज जो थी अपनी, उनके बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज से अपना अपना नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? अपने एनवायरनमेंट में जो प्राणी पाए जाते हैं उन प्राणियों का संवर्धन किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से अपना आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे कि अपन मुर्गियों को पालते हैं, मछलियों को पालते हैं, मधुमक्खी पालन किया जाता है, इन सब के बारे में क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि घरेलूकरण और ग्राम्यान एक डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन में आपको क्या लिख के आना है। जो जंतुओं की जो प्रजाति होती है उन जंतुओं की प्रजाति को मानव अपनी उपयोगिता के लिए उनका संवर्धन करता है, उनको पालते हैं, पोसते हैं, वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है, घरेलूकरण या फिर ग्राम्यान कहलाती है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आर्थिक महत्व के लिए मनुष्य क्या करता है, उनका पालन करता है। इसमें मोस्टली पशुधन प्रवृत्ति जो होती है वो आ जाती है सारी की सारी। इसमें अगर अपन सबसे पहले मेन पॉइंट की अगर अपन बात करें, किसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, कुकुट पालन के ऊपर, मुर्गी पालन के ऊपर अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो मुर्गी पालन होती है या फिर कुकुट पालन जो होता है, इसमें कुकुट पालन के अंदर मुर्गियों का पालन, टर्की जो होते हैं उनका पालन या फिर बतख जो होते हैं वो भी पाले जाते हैं। अब मुर्गियों का पालन किस लिए किया जाता है? पौष्टिक भोजन प्राप्त करने के लिए। मुर्गियों से मांस प्राप्त होता है एवं अंडे प्राप्त होते हैं। इन सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? मुर्गियों को पाला जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे साइंस का विस्तार हुआ तो वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो अपने पशु वगैरह होते हैं या फिर जीव जंतु जो अपन पालते हैं, ये नस्ल के हिसाब से और इनकी उपयोगिता जो अपनी जो मेन उपयोगिता के लिए अपन इनको पालते हैं वो कि उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ नस्लें जो है वो विकसित की गई हैं। उन नस्लों के बारे में जानकारी दी जाती है कि भी अगर आप मांस के लिए मुर्गियां पालते हो तो आपको ये वाली नस्ल जो है ये बहुत अच्छी होती है, या फिर अंडों के लिए अगर मुर्गियों का पालन किया जाता है तो अंडों के लिए अलग नस्ल होती है। इस प्रकार से पूरी की पूरी डिटेल, और या फिर मतलब मुर्गियों के लिए दाने के अंदर ये दाना अच्छा होता है, ये खिलाना चाहिए, इससे क्या होता है कि अच्छा अपने को आर्थिक लाभ मिल पाता है, ये सारी की सारी चीजें वैज्ञानिकों के द्वारा उनके ऊपर पूरी की पूरी स्टडी करने के बाद में क्या की जाती है, बताई जाती है, ठीक है। तो जब अपन कुकुट पालन की बात या फिर मुर्गी पालन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आते हैं। सबसे पहले उन डेफिनेशन के बारे में अपन बात करेंगे। एक होती है ब्रॉयलर्स, एक होती है लेयर्स। अब ब्रॉयलर्स क्या होती है? मुर्गी की वो नस्लें जो मतलब जो मांस होता है, मुर्गियों से मांस प्राप्ति के लिए जो अच्छी और उत्तम नस्लें होती है वो क्या होती है, ब्रॉयलर्स। और अंडे प्राप्त करने के लिए उत्तम नस्लें जो होती है वो क्या होती है, लेयर्स कहलाती है, ठीक है। ये जो ब्रॉयलर्स होते हैं इनसे क्या होता है, अधिक अच्छा उपयुक्त मांस प्राप्त होता है। लेयर्स जो होते हैं इनसे जो अंडे की क्वालिटी होती है वो ज्यादा भी होती है और अच्छी भी होती है। सामान्य मुर्गी जो होती है वो एक साल में 60 अंडे देती है, बट जो लेयर्स में जो उन्नत किस्म की जो मुर्गियों की जो नस्ल आती है वो नस्लें प्रतिवर्ष 240 अंडे देती हैं, ठीक है। अगर ब्रॉयलर्स के अंदर अपन उत्तम नस्ल की बात करें तो प्लाईमाउथ रॉक आती है, ठीक है। प्लाईमाउथ रॉक एक मुर्गी की नस्ल होती है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे मुर्गियों की कुछ प्रजातियों के बारे में दे रखा है जिसमें देसी नस्लें और विदेशी नस्लें भी दे रखी हैं। इस लेसन की अगर बात करें तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ब्रॉयलर्स क्या होता है, लेयर्स क्या होती है, मुर्गी की विदेशी नस्ल कौन सी अच्छी होती है, देसी नस्ल कौन सी होती है, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन क्या करेंगे आपसे पूछे जाएंगे। अगर मुर्गी की पारंपरिक या फिर देसी नस्लों की अपन बात करें तो इसमें कौन कौन सी नस्लें आती है, इसमें आती है असील, ककरनाथ, ब्रह्मा, बसरा, घेगस। ये क्या है, ये मुर्गी की देसी नस्लें हैं। और भारत के अंदर क्या है, गेलस डोमेस्टिक्स जो है वो मुख्य रूप से घरेलू मुर्गी के रूप में पाली जाती है, ठीक है। और अपनी जो ये असील नस्ल जो होती है, इस असील नस्ल को कॉक फाइट मुर्गी जो होते हैं, मुर्गों की लड़ाई के लिए पाला जाता है, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, देसी नस्लें, ये सारी की सारी अपनी देसी नस्लें थी। अगर विदेशी नस्लों की अपन बात करें तो विदेशी नस्लों में कौन कौन सी आती है, प्लाईमाउथ रॉक, और प्लाईमाउथ रॉक क्या है, ब्रॉयलर्स एक नस्ल होती है, इससे मांस उपयुक्त क्वालिटी का प्राप्त होता है। सफेद लेगहॉर्न, रोडे आइलैंड, रेड एंड न्यू हैम्पशायर, और भी कई प्रकार की विदेशी नस्लें जो होती हैं वो मुर्गी की पाई जाती हैं।
इसमें अपनी देसी नस्लें जो थी इसमें थी असील, ककरनाथ, ब्रह्मा, बसरा, गेगस, और विदेशी नस्लें जो थी इसमें प्लाइमोथ रॉक, स्वेद, लेगोरन, रोडेल आइलैंड रेड एंड अपनी न्यू हैम्पशायर। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी विदेशी नस्लें हैं। ठीक है, अब ये तो थी मुर्गियों के बारे में बात। अब कुकुट पालन में आगे अगर अपन डिस्कस करें तो बतख भी आते हैं। भारत में जो कुकुट पालन किया जाता है उस कुकुट पालन की जो टोटल जनसंख्या होती है उसमें 6% योगदान किन का होता है, उसमें 6% योगदान बतखों का होता है। इनसे भी क्या प्राप्त किया जाता है, मांस प्राप्त किया जाता है। इसमें एनास प्लेंडिरोकन्स जो होती है वो बतख की मांस प्राप्त करने के लिए उत्तम नस्ल होती है। इसके अलावा कुछ भारतीय नस्लें भी होती है बतख की। अगर अपन बात करें तो उनके ऊपर एक भारतीय रनर होती है, एक नागेश्वरी भी होती है। ये सारी की सारी क्या होती है, ये अपनी बतख की भारतीय नस्ल होती है जिनको अपन पालन पोषण करते हैं। विदेशी नस्लें जो होती है, विदेशी नस्लों में मोस्केरी, पेकिन, कैंपबेल ऐसी कुछ नस्लें आती हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अच्छी क्वालिटी के जो मतलब अपन को ज्यादा अच्छे लाभ, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए जो मुर्गी और मुर्गियों का चुनाव जो होता है वो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है। मतलब उनके रेप्रोडक्शन को भी देखा जाता है, उनकी प्रजनन की प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब जो मुर्गे होते हैं मुर्गों की नस्ल देखी जाती है, उनके शरीर, उनका बॉडी देखा जाता है। मुर्गी जो होती है उन मुर्गियों की भी क्या देखी जाती है, बॉडी की स्ट्रक्चर देखी जाती है। उसमें मुर्गे के अपने लेसन में कुछ करेक्टर दे रखे हैं, जैसे शरीर गठीला होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए, आंखों के कुछ करेक्टर दे रखे हैं जैसे चमकदार, छोटी व मुड़ी हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मुर्गियां होती हैं मुर्गियों के भी कुछ बॉडी के करेक्टर दे रखे हैं। उसके बाद में क्या देखा है, जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, मुर्गे और जो मुर्गियां होती हैं उनमें मेल्टिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है, रेप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, संगम किस प्रकार से होता है, इसमें पैन मेटिंग के बारे में बता रखा है, स्टड मेटिंग के बारे में बता रखा है, अल्टरनेटिंग मेल्स के बारे में बता रखा है, जो नॉर्मल से इंट्रोडक्शन दे रखा है इनके बारे में बिल्कुल इजी सा। उसके बाद में दे रखा है कि प्रजनन की विधियां किस प्रकार से, प्रजनन की विधियां कंप्लीट होती है। और अगर प्रजनन की विधियों की बात करें तो इसमें इनर ब्रीडिंग के बारे में बता रखा है, अंतः प्रजनन, इस प्रकार का जो प्रजनन होता है ना वो मुर्गी और मुर्गियों की निकटी जो रिलेशन वाली जातियां होती हैं उन्हीं के अंदर होता है। मतलब मुर्गी और मुर्गी जो होते हैं वो आपस में एक ही स्पीसीज जाति से रिलेटेड रिलेशन में होते हैं, भाई बहन या फिर कुछ इस प्रकार रिलेशन में होते हैं। नेक्स्ट लाइन ब्रीडिंग में दे रखा है, लाइन ब्रीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि एक पक्षी होता है, उस एक पक्षी के उसमें क्या होते हैं, अच्छे करेक्टर होते हैं, अच्छे गुणों के कारण उसको बार बार ब्रीडिंग की प्रोसेस के लिए, प्रजनन के लिए यूज में लिया जाता है। उसके अलावा बाह्य विनिमय या फिर आउटर क्रॉसिंग के बारे में दे रखा है, इसमें क्या होता है जो ब्रीडिंग जो होती है वो एक ही जाति के सदस्यों के बीच में होती है लेकिन उनके विभेद अलग अलग होते हैं। उसके बाद में क्या दे रखा है, उष्मायान के बारे में दे रखा है, उष्मायान जिसे इंक्यूबेशन भी बोला जाता है या फिर हैचिंग, अंडोज उत्पत्ति या फिर स्पुटन जिसे बोलते हैं, अंडों से जब चूजे वगैरह बाहर आते हैं उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन या फिर उष्मायान की प्रोसेस। उसका टाइम दे रखा है अलग अलग जो मुर्गी या फिर बतख होते हैं उनमें अलग अलग होता है। जैसे मुर्गी जो होती है मुर्गी में इंक्यूबेशन या फिर उष्मायान का टाइम 21 दिन का होता है, टर्की में 28 दिन का होता है। बतख जो होते हैं उनमें बतखों में भी उष्मायान फिर इंक्यूबेशन या फिर हैचिंग का जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है। उसके बाद में कुछ नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जैसे इंक्यूबेशन की प्रोसेस जब होती है, मतलब हैचिंग की जो प्रोसेस होती है, अंडे के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें किस टाइम में और कौन कौन सी संरचनाओं का मतलब फॉर्मेशन हो रहा होता है, मुर्गी के किस अंग का निर्माण हो रहा होता है, ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं। जैसे उष्मायान के दौरान 20 घंटे के अंदर क्या होता है, कशेरुक दंड जो होता है वो प्रकट होता है, 22 घंटे के अंदर सिर जो होता है उस सिर की रचना शुरू हो जाती है, 24 घंटे के अंदर आंख जो होती है आंख की रचना शुरू हो जाती है, 40 से 44 घंटे के अंदर हार्ट बीट जो होता है, हृदय जो होता है वो धड़कना शुरू कर देता है, और जो 62 घंटे के अंदर क्या होता है उसकी टांगों की रचना शुरू हो जाती है, 64 घंटे के अंदर उसके पंखों का विकास जो होता है वो विकास शुरू हो जाता है। इस प्रकार पूरी की पूरी सारणी दे रखी है कि जो चूजे में उष्मायान के दौरान कौन से अंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये अंडे जो होते हैं प्राकृतिक रूप से भी उष्मायान हो जाता है इनका, या फिर इनका कृत्रिम रूप से भी क्या किया जाता है, इनका कृत्रिम रूप से भी उष्मायान किया जाता है, अंडों को कृत्रिम रूप से इनका स्फुटन करवाया जाता है और चूजे जो होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। और इस कृत्रिम उष्मायान के अलग अलग लाभ होते हैं, जैसे एक साथ काफी जो चूजे होते हैं उनको अंडे से बाहर निकाला जा सकता है, अंडों का जो स्फुटन होता है वो अपन अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, इतने चूजे चाहिए उसके अनुसार अपन अंडों का प्रस्फुटन कर सकते हैं, अपन उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड जब अपन कृत्रिम रूप से इंक्यूबेशन की प्रोसेस करते हैं तब चूजे जो होते हैं उनके निकलने का प्रतिशत भी अधिक होता है, उनको इन्फेक्शन, डिसीज, संक्रामक रोगों से भी अपन बचा सकते हैं और उनके देखभाल और खर्च में भी क्या आती है, कमी आती है। तो आज अपन यहीं तक स्टडी करेंगे उष्मायान की प्रोसेस तक। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे किस प्रकार से मुर्गी पालन की पूरी व्यवस्था की जाती है, पिंजरों के अंदर किस प्रकार से उनको खाना खिलाया जाता है, किस प्रकार से उनका पालन पोषण किया जाता है।